नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल पर प्रचार के दौरान हमले को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को टेबल के नीचे छिपाने के लिए मजबूर कर दे, उस ब्रजमोहन को कोई धक्का दे सकता है क्या? इसका मतलब ये है कि वो ब्रजमोहन, यानी कि वो से उनका तात्पर्य है कि ब्रजमोहन अग्रवाल चुनाव में पिछड़ रहे हैं। वो लाख कोशिश करें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और ऐसे में जो कांग्रेस है उसकी ही जीत होगी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भाजपा को बड़ा झटका लग गया है। जो है भाजपा के नेता मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक और जिला कार्यकारिणी सदस्य, देवरी के शक्ति केंद्र प्रभारी और खेरता मंडल के प्राथमिक और सक्रिय सदस्य शिव कुमार धर्मगुड़े ने भाजपा की प्राथमिकता सक्रिय सदस्यता से पार्टी के विभिन्न पदों से त्याग पत्र दे दिया है। अपना त्याग पत्र उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भेजा है, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस का दिव्यांग कोच बुक पर्सनल और पार्सल का परिवहन बन गया है। जो है दो दिन की औचक जांच में इस कोच के अंदर सीट के नीचे 2056 किलो सामान जब्त किया गया। 7 नवंबर को 60 पैकेट और 8 नवंबर को 24 पैकेट में सामान बरामद किया गया। वाणिज्य विभाग इसकी जांच कर रही है। वहीं प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशक पर बिना बुक किए हुए ट्रेनों से होने वाले पार्सल परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा। बिलासपुर के केंद्रीय जेल में 5 नवंबर को राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत लाया गया, और इस दौरान लोक अदालत के अधिकारियों द्वारा 11 बंदियों को रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये बंदी सालों से जेल में बंद थे, जिन्हें छोड़ने जाने से उनके परिवारों में खुशी का लाहौर दिखने को मिला, खुशी का माहौल बन गया। अब इस साल ये बंदी अपने स्वयंजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ सालों बाद दीपावली का पर्व मना पाएंगे। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।